दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं सिद्धि विनायक बड़ा पाव गर्ल के पास और यहाँ ट्राई करने वाले हैं दा बेली। हेलो मैम। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया भैया, आप बताइए। बढ़िया है मैम, हम भी। तो मैम आज अब एक नया जो फूड आप ट्राई करवाने वाले हो तो उसके बारे में थोड़ा सा पहले बता दीजिए आप। वड़ा पाव काफी हो रहा था। अच्छा, तो वड़ा पाव पाव के अंदर ही बनती है, गुजराती डिश है दा बेली। अच्छा, दा बेली। दा बेली। बेली। तो ये गुजराती डिश होती है, ये थोड़ी सी खट्टी मीठी तीखी चटपटी कोई फ्लेवरफुल होती है, एकदम डिफरेंट है। तो वड़ा पाव अपनी जगह पे है, दा बेली अपनी जगह पे है। तो वड़ा पाव के साथ ही ये काफी यूनिक डिश है, तो मैं इसलिए वो लेकर आई हूँ। मुझे इसके बारे में ऑनेस्टली नाम भी नहीं पता था, मैंने आज तक ये डिश कभी नहीं खाई है। एक भैया थे वो मेरी काट पे खाने के लिए आए थे वड़ा पाव, वो खुद वड़ा पाव बनाते हैं और खुद ही दाबेली भी बनाते हैं। तो उन्हें मेरे हाथ का वड़ा पाव पसंद आया था, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि आपका वड़ा पाव में टेस्ट है, आप दाबेली भी ट्राई कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा और बेस्ट रहेगा। तब मुझे ये नाम पहली बार सुनने को मिला था जब मैं सैनिक विहार लगाती थी। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने सोचा तो वहीं पे था खुलने के लिए, लेकिन वो एमसीडी का इशू। फिर मैंने न्यू लोकेशन जब चूज़ करी उसके बाद मैंने दाबेली के बारे में समझा, देखा यूट्यूब से थोड़ी सी रेसिपी देखी, थोड़ा समझा कि एक्चुअल में क्या चीज़ है, फिर मैं लेकर आई और काफ़ी उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। दाबेली का जो मसाला होता है वो बहुत डिफरेंट स्टाइल में बनता है, अगर वो दाबेली का मसाला बन गया तो सारी चीज़ें बन। तो मैम एक बात और पूछना चाहूंगा, इसके साथ जो चटनियां हैं वो कुछ अलग होने वाली हैं या फिर सेम जो बड़ा पाव के नहीं, साथ? नहीं, अलग होती है, बहुत अलग होती है। अच्छा। इसकी जो चटनियां होती है, एक तो खट्टी मीठी खजूर की इमली की चटनी होती है, दूसरी होती है लहसुन की, तो वो तीखी चटनी होती है। जैसा कि मैं बता रही हूँ ना, दाबेली खट्टी मीठी तीखी चटपटी फ्लेवरफुल होती है। अच्छा, पूरा खट्टा भी रहेगा मीठा भी रहेगा। मैंने कह रहा ना, धीरे धीरे मेरे साथ क्या होता है, मेरी कार्ट पे क्या हुआ, फर्स्ट से जो मैं टेस्ट लेकर आई हूँ ना, तब से लेके अब तक मैं और बढ़िया से बढ़िया करने की ही कोशिश करती हूँ। तो मैं दिन पर दिन, आप आओगे जैसे आज खाया, कल आओगे कल इससे और कुछ अच्छा बढ़िया और कुछ बढ़िया, मैं ऐसा करती रहती हूँ। मेरा चैनल का नाम है चांदनी सिंगर 3, ये मेरा इंस्टाग्राम का है। तो अभी मेकिंग स्टार्ट होने वाली है। दाबेली के लिए पाव में ही बनती है, जैसे दाबेली के लिए छोटा पाव यूज होता है, वड़ा पाव के लिए बड़ा, हाँ रेक्टेंगल शेप होती है, तो इसके लिए हम स्क्वायर वाले हम उठा के अलग रखते हैं, क्योंकि ये जो लादी पाव हम बनवाते हैं ये काफी सॉफ्ट होते हैं, तो इसके अंदर ना बड़ा पाव या दाबेली का एक अलग ही टेस्ट आता है। तो अभी हमारा ये नॉर्मल पाव आ गया है। हाँ जी, ये पाव है, पाव को हम रेक्टेंगल शेप में कट करेंगे। इसे बड़ा पाव का तो हम पूरा कट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर की जो फिलिंग है वो बाहर नहीं आनी चाहिए और अंदर से पूरा फिलिंग होना चाहिए। आपका स्पाइसी या नॉर्मल भैया? स्पाइसी लगाओ तुम्हारा। तो पहले सबसे पहले इसके अंदर जाती है खट्टी मीठी इमली और खजूर की चटनी। एक एक चीज घर पे तैयार होती है, जितना भी चीज है ना खुद अपने हाथों से बनाती हूं, कोई और नहीं बनाता। अच्छा, तो ये चटनी जो है खजूर और खट्टी मीठी वाली है, इसके अंदर हमने फिल कर दी है। हाँ जी, पहले ये जाएगी। अगर जैसे किसी को दाबेली वाला मैं बता रही हूँ जैसे मीठी होती है। अच्छा। अगर जैसे किसी को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं होता तो मैं ये इमली की थोड़ी कम करके इसमें स्पाइसी चटनी थोड़ी ज़्यादा ऐड कर, ये लहसुन की, और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट से मतलब ट्विस्ट करके कुछ चटनी बनाई है। ये स्पाइसी है, ये स्पाइसी, और इसके बाद इसमें जाएगा ये दाबेली का पेस्ट होता है। अच्छा, पेस्ट में मतलब क्या क्या होगा इसमें जो पेस्ट बनाई है? कुछ नहीं होता, मैं बता तो रही हूँ, इसके अंदर दाबेली का मसाला होता है। अच्छा, बाकी ये पेस्ट आलू का ही है? हाँ, ये आलू ही है पूरा। अच्छा। आलू अच्छे से मैश करके डालते हैं, चीज वाला कर देना। अच्छा। तो इसके अंदर ये दाबेली का मसाला ही अपने आप में बहुत फ्लेवरफुल होता है। चार तो नॉर्मल है, ऊपर जो मसाला है यही मेन चीज है इसमें? नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने कोकोनट पाउडर डाला हुआ, ये असली है, ये जो पूरा आलू का जो मिक्स है, जो एक होता है आलू, हम ऑयल डाल के जीरा डाल के छोड़ते हैं, वो सब्जी हो गई। इसमें दाबेली का मसाला मैं बता रही हूँ बहुत डिफरेंट स्टाइल में बनता है, उससे ये पेस्ट तैयार होता है। उसके बाद इसमें जाएगा ये थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया और प्याज, धनिया और प्याज आ गया अपने अंदर, क्रंचीनेस बढ़ाता है। ये पीनट है जिसको गुजराती सिंगदाना कहते हैं, ये भी दाबेली के मसाले से ही हम रोस्ट करते हैं। उसके अंदर इसके अंदर जाएंगे अनार, जी देखने में पूरी कलरफुल लगेगी और खाने में पूरी फ्लेवरफुल, इसी वजह से इसका स्वाद थोड़ा खट्टा मीठा हो जाता है। बिल्कुल, इसका फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है, और इसलिए बताऊँ मुझे दाबेली में अनार ही पसंद है, जो वो मुँह में क्रंची कस के आते हैं ना, बहुत टेस्टी लगते हैं। उसके बाद एक और बार ये मसाला, ताकि ये अंदर की जो फिलिंग डालना है और अंदर दब जाए। ये देखने में जितनी हैवी लग रही है ना, खाने में उतनी लाइट है। यहाँ पे खड़े होके ना मैं बस तीन तीन चार चार पाँच पाँच चूहे खा जाती हूँ, कहते हैं
भैया थोड़ा सा बटर के अंदर ये यहाँ पे क्रिस्पी हो रही है, क्योंकि मैं बता रही हूँ दाबेली एक फ्लेवरफुल डिश वो है, स्नैक्स टाइप में है ये, तो ये जितने क्रंची होगा ना और क्रिस्पी होगा उतना ज़्यादा खाने में इसको मजा आए। बड़ा बहुत जितना सॉफ्ट होता है दाबेली उतनी क्रंची होती है। तो मैम जैसे अगर थोड़े इसकी प्राइस की अगर बात करना चाहें मैम, हम जी भैया इसके प्राइस की अगर हम बात करना चाहें तो इसका प्राइस क्या हो जाता है? मेरे पास ये दाबेली मैंने 70 की रखी है, पंजाबी डिश, क्योंकि दिल्ली में जैसे इतनी महंगाई है सारी चीजें इतनी कॉस्टली मिलती है, तो उसके बिहाफ में मैंने ये, मेरे को इतना कॉस्ट पड़ रहा है इसका। मैं तभी सब पूछते हैं मुझसे आपकी चटनी इतनी ग्रीन होती है, सब्जी आपकी ऐसी क्यों होती है, मतलब मैं कलर नहीं मिलाती उसके अंदर, मैं इमली और वो जो खजूर की चटनी है उसके अंदर भी लाल रंग नहीं डालती, रीयूज होता है मोस्टली जगह। कितने कस्टमर ऐसे आते हैं कहते हैं दीदी आप कौन सा ऑयल यूज कर रहे हो, पैन ऑयल तो नहीं, मतलब वो पाम ऑयल पूछने से आप अच्छा ये पूछो कि कढ़ाई का ऑयल कब चेंज करो, अच्छा ऑयल को बार 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 यूज करेंगे वो इतना गाढ़ा चिपचिपा ऑयल हो जाता है तो वो यूज करने लायक ही नहीं होता। ये अपनी सेव वाली नमकीन रहती है, हाँ ये दाबेली के लिए ही होती है, देखने में पूरी कलरफुल, खाने में बिल्कुल फ्लेवरफुल। तो दोस्तों हमारा दावेली फूड रेडी हो गया है मेरे को, और ये हमारे सामने द सिद्धि विनायक कार्ट है, और ये मैम सामने खड़ी हुई हैं, तो टेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी है, करते हैं फिर इसका टेस्ट। तो दोस्तों अभी जो दाबेली है वो टेस्ट के लिए तैयार है, अभी हमारे टेस्ट कर रहे हैं पंकज भाई, तो पंकज भाई टेस्ट करके आप इसका रिव्यू बताओ। देखो पहले टेस्ट करने से पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ दोस्तों, ये बीच में देखो इसकी फिलिंग, ये आलू वाली है, और उस आलू की फिलिंग में ना जो स्पेशल मसाला आता है इसका वो थोड़ा स्पेशल है, इसके साथ कोई चटनी आपको नहीं मिलेगी, देखो बिल्कुल सिंपल है, और भाई अंदर की जो फिलिंग है ना वो भर भर के डाली गई है। अभी देखो हम इसको ट्राई करने जा रहे हैं, टेस्ट करने जा रहे हैं, तो भाई कैसा लग रहा है टेस्ट है बताओ, पहली बाइट अभी ले लिया पंकज भाई ने, अभी इनसे पूछते हैं कैसा टेस्ट लग रहा है। भाई देखो मैं टेस्ट की बात करूँ ना, एकदम अल्टीमेट है, एकदम बिंदास लग रहा है, मतलब जो कहते हैं जैसे कि ये बड़ा पाव की तरह इसकी मेकिंग है बिल्कुल, बट क्या है टेस्ट बिल्कुल इसका उससे बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम बिल्कुल अलग है। अच्छा यूनिक है, मतलब कि सेम वैसे ही है मुझे। तो अभी तो देखो दोस्तों मैंने टेस्ट किया नहीं है, एक बाइट मैं भी टेस्ट करके देख लेता हूँ, तो इसके बाद मैं अपना रिव्यू भी बताता हूँ कैसा है आपका। ये देखो ये रही मेरी एक बाइट, राइट टेस्ट एक नंबर है, एक नंबर है भाई। भाई माँ तो सिर्फ 70 रुपए में ना एक यूनिक चीज मिल रही है खाने को, तो एक बार आप जरूर आओ। लोकेशन आपको बताएंगी खुद सिद्धि विनायक वाली मैम, अभी उनके पास चलेंगे और उन्हीं के मुंह से आपको लोकेशन समझाएंगे। रानी बाग में राजधानी एंक्लेव के जस्ट अपोजिट, यहाँ पे बस स्टॉप भी है और HDFC बैंक है मेरे जस्ट पीछे, उसी के सामने हमारी कार्ट लगती है सिद्धि विनायक वड़ा पाव कार्ट। तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा, जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई बिंदास फूड है एक बार ट्राई करने जरूर आना, ठीक है भाई।